व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सभी, तो आप सभी का स्वागत है हमारे सेकंड अनबॉक्सिंग पर। तो यार फर्स्ट अनबॉक्सिंग आप लोगों को मतलब कि लगभग लगभग बहुत अच्छा लगा था। मैंने किया था मोटो जी 40 का, अब की बार मैं कर रहा हूँ रेडमी नोट 10S का। यार ये भी एक बेहतरीन फोन है और इसकी जो गेमिंग परफॉर्मेंस है और भी कई चीजें, कैमरा है वो भी बहुत ही बेस्ट है यार। मोटो जी 40 से तो मतलब कि लगभग लगभग और भी ज्यादा बेस्ट है, और अंडर 15,000 मिल जाता है एंड 14,000 के अंदर भी मिल जाता है 4/64 के वेरिएंट में। एंड ये जो है अभी हमारे पास है 6/64 के वेरिएंट में है। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आप ये बताना कि कैसा लगा आपको ये फोन, तो आगे हम देखते हैं। तो गाइज हम फटाफट से अपने फ़ोन का अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि इस फ़ोन को हमने पहले ही ओपन कर लिए थे, अब हम वापस से अनबॉक्सिंग करने के लिए इसको बंद किए थे। तो सबसे पहले फ़ोन को साइड करते हैं और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं और इसमें देखते हैं। तो यार इसमें जो सिम इजेक्टर टूल है जो सबके साथ मिलता है वैसा ही है, नॉर्मल है, जैसे आपको मोटो जी 40 में दिखाई दिया था उससे तो नॉर्मल ही है, बाकी इससे मतलब नहीं होता, लेना देना नहीं होता है। तो इन सबको रखते हैं साइड में। अब हमको मिलता है किताबी ज्ञान, तो यार किताबी ज्ञान को कौन पढ़ना चाहता, सब यूट्यूब पे देख लेते हैं। तो किताबी ज्ञान को भी हम करते हैं साइड में, रिव्यू वगैरह सब सबको पता ही होगा। तो ये दूसरे किताबी ज्ञान, ये तो हमारा बिल है, तो यार बिल को भी हम करते हैं साइड में। तो यार अब हम बात करते हैं हमारे मॉन्स्टर चार्जर की। तो यार 32 वॉट का यार हमारा मॉन्स्टर चार्जर है, जो कि मतलब कि 1 आवर्स के अंदर जो हमारे फ़ोन की बैटरी को फुल चार्ज कर देता है यार, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो अब हम बात करते हैं हमारे टाइप सी केबल की। तो यार टाइप सी केबल भी अद्भुत, अंदर का जो ये कलर है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। अब इसको भी हम करते हैं साइड में, इन सबको भी करते हैं साइड में। अब हम करेंगे हमारे फ़ोन को बूट करने से पहले एक चीज़ देख लेना कि इसका जो बैक पैनल है वो पॉलीकार्बोनेट का है यार। तो वो देखते हैं, फ़ोन को कर लेते हैं बूट। तो हमारे कवर को जो है हम हटा लेते हैं, और जो ये कवर है ना यार ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, और इस टाइप के कवर लगाने भी चाहिए जिससे स्क्रैच वगैरह ना आए। और जो इसका बैक पैनल है यार बहुत ही अच्छा है, मतलब कि इस पर मतलब टच करने में जो, तो इसके स्टिकर को हमने पहले नहीं हटाए थे, इसका स्टिकर हम जो है अनबॉक्सिंग में हटाएंगे। तो यार इसको हम हटा देते हैं जिससे यार मतलब कि जो लुक है ना वो देखने को मिले। और जो इसका यार बैक पैनल है वो ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि जो Redmi Note 9 Pro के अंदर था जो ग्लास वाला था वो, और दूसरी बात यार इसका गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है, तो उनको वैसे देना चाहिए था, गोरिल्ला ग्लास 7 तक आ चुका है प्रोटेक्शन, बट उन्होंने नहीं दिया। और यार इसमें सबसे बेस्ट जो मुझे लगा है ना यार इसका कैमरा लगा है, वो इसलिए क्योंकि 4K वीडियो सपोर्टेड, मतलब 4K के अंदर आप वीडियो बना सकते हैं यार। और जो इसका कैमरा है वो देखने में कितना प्रीमियम लुक देता है ना यार, मतलब कि इस फ़ोन को एक अलग ही लेवल तक पहुंचाता है। तो ये अंडर 15 के अंदर यार बेस्ट फ़ोन है। और इसके और एसेसरीज के बारे में आपको अगर पता करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर किसी और की वीडियो वगैरह आप देख करके पता कर सकते हो। ये देखो यार इसका कैमरा देखो यार, अब मतलब कि अलग ही यार प्रीमियम लुक दे रहा है ये। अब हम आपको दिखाने वाले हैं इस फ़ोन के अंदर यार 4K वीडियो की क्वालिटी किस टाइप की होती है, तो वो हम देखते हैं। और आप वो चीज़ देख करके बताना जो इसकी जो 4K वीडियोस की जो मतलब जो क्वालिटी वगैरह वो कैसी लगी आपको। तो गाइस यार आपको ये जो फोन है वो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाकी यार 15,000 के अंडर के अंदर तो यार ये फोन है ना मेरे लिए तो बहुत ज्यादा बेस्ट है, और जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं या फिर गेमिंग करते हैं ना उन लोगों के लिए बेस्ट है। क्योंकि यार इसके अंदर एक सबसे बेस्ट चीज पता क्या है, इसके अंदर कूलिंग सिस्टम है यार। कूलिंग सिस्टम मतलब कि बहुत ही कम फोनों के अंदर देखने को मिलता है, रेडमी के इस वाले वेरियंट के अंदर आपको कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिलेगा। तो यार ये चीज तो यार अपने आप में एक प्रीमियम है यार। तो ठीक है यार वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, टाटा बाय बाय।